ये है दोस्तों आपकी ऑल न्यू ऑडी Q8। सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन पाने के लिए लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे तेज। आज इसकी डिटेल में इधर बात करेंगे आपसे, सारे फीचर्स स्पेसिफिकेशंस। हमेशा मैं आपसे ये बात बोलता हूँ, ये डायलॉग बोलता हूँ, साइड्स में शॉर्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आपको इस मॉडल का एक एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, सारे फीचर्स चाहिए, स्पेसिफिकेशन चाहिए, डिटेल चाहिए, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा एग्जैक्ट सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर आप चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको ये बात पता होगी, एक एक इन्फॉर्मेशन मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ जो भी गाड़ी मैं रिव्यू करता हूँ। और वही इस गाड़ी के साथ भी केस है, जो लोग भी पूछ रहे थे, तो उम्मीद उनसे भी है कि शेयर ज़रूर करेंगे आप अपने फैमिली फ्रेंड्स में। और कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हो। साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा कंपनी का लिंक, वहां जाके आप इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन ले पाओगे, इन केस आपको अगर लगता है कि मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई है। इसके अलावा मैं आपसे ये भी बोलना चाहता हूँ कि अपने जो वैल्यूबल फीडबैक है वो भी ज़रूर दिया करिए कमेंट्स में, वो इसीलिए दी जाती हैं। फ्रंट प्रोफाइल आप देख रहे हैं गाड़ी का, फ्रंट आपको अच्छे से पूरा दिखा देता हूँ मैं, नीचे कर देता हूँ कैमरा, फ्रंट आपको पूरा अच्छे से दिख जाएगा। थोड़ा सा ऊपर भी कर देते हैं तो एक अच्छा सा पूरा प्रीव्यू मिलेगा आपको पीछे से लेके पूरा आगे तक। चलते हैं पास में और इसका जो पूरा क्लोज़ व्यू है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पूरा क्लोज़ व्यू इधर आप देख सकते हो, नीचे देख लीजिए, आपके हेडलैम्प्स चेक करा देते हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश हैं। जो भी अब इनके नए मॉडल्स आएंगे लगभग आपको यही डिज़ाइन देखने को मिलेगा। थोड़ा सा कैमरा नीचे कर देते हैं तो कंप्लीट व्यू आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं, इसकी जो ग्रिल है वो आपको दिखा देते हैं, तो बहुत ही ब्रॉड ग्रिल आपको देखने को मिलती है। इधर आपकी जो बोल सकते हैं ऑडी की ब्रांडिंग है, वेल रिनाउंड ब्रांडिंग, वो आपको देखने को मिल रही है क्रोम पे। फ्रंट प्रोफाइल आपको अच्छे से दिख गया होगा। अब इसकी की दिखाने का टाइम आ गया है, वो दिखा देते हैं आपको, और साथ में थोड़ा सा इंडिकेटर भी फ्लैश कर देते हैं तो मज़ा आ जाएगी आपको। ये आपका की हो गया और इसमें भी आपका बूट ओपनर भी दिया गया है। गाड़ी ओपन कर लेते हैं, ये आप देख सकते हैं कार मैंने ओपन कर ली है। अब इसका जो साइड प्रोफाइल है वो आपको दिखाते हैं, साइड प्रोफाइल आपको पूरा दिख जाएगा। वन फ्रेम व्यू मैं आपको दे देता हूँ, देखते जाइए कम्प्लीटली। बहुत ही बड़ा सा शोरूम है तो आराम से मैं मूव कर सकता हूँ पूरा, आपको मैं जो गाड़ी है अच्छे से दिखा सकता हूँ। और मोटिव भी यही रहता है कि जो गाड़ी आप देख रहे हो अच्छे से पूरा आपको आइडिया लगे उसका, और अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो अपने आप नियरेस्ट शोरूम विजिट कर सकते हो। साथ में घर बैठकर भी आप टेस्ट ड्राइव बुक कर पाओगे अपनी अपनी जहाँ भी जिस कंट्री में आप रहते हो उसको आप यूज़ कर सकते हो घर बैठकर टेस्ट ड्राइव बुक करने के लिए। कंपनी का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। इधर आपका जो व्हील एरिया है वो आप देख लीजिए, व्हील एरिया भी चेक करा देता हूँ आपको मैं। इसका साइज़ है 285/45 R21। आपके ORVM है वो आप देख लीजिए, ये आपको दिए गए हैं बॉडी कलर के ऊपर, हाफ मिलती है आपको डस्की फिनिश। और इधर आपका जो इंडिकेटर इंसर्ट है वो आप देख सकते हो। चलते जाते हैं पीछे की तरफ और इसका जो विंडो लाइन है, डोर लाइन है, पूरा आपको सिल्वर इंसर्ट देखने को मिलता है। गाड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, शानदार लग रही है, लग्जरियस गाड़ी है तो वैसे भी आप ये सब फीचर्स एक्सपेक्ट करते हो और वो आपको इधर कंपनी ने प्रोवाइड किया है। ऊपर आप देख लीजिए तो आपकी सनरूफ हो गई, आपकी जो रूफ रेल्स हैं ये आपको मिलती हैं बॉडी में इंसर्टेड, आपका जो एंटीना है ये आपको दिया गया है शार्क फिन। चलते जाते हैं पीछे की तरफ और इसका जो बैक प्रोफाइल है वो आप देखते जाइए। बैक प्रोफाइल का पूरा आपको अच्छे से मैं प्रीव्यू दे देता हूँ। पहले थोड़ा आगे तक आ जाते हैं, साइड तक आ जाते हैं और पहले आपको इसका जो को ड्राइवर साइड है वो भी दिखा देते हैं तो आपको आइडिया लगेगा को ड्राइवर साइड का भी। इधर आपका जो फ्यूल इनटेक एरिया है वो आप चेक कर सकते हो। चलते जाते हैं आगे तक, डोर हैंडल देख लीजिए, ये अभी आपको बॉडी कलर पे ही अवेलेबल हैं। अब आ जाते हैं वापस से पीछे की तरफ और इसका जो बैक प्रोफाइल है वो आपको डिटेल में दिखाते हैं। इधर आप पूरी जो अपनी स्लोप है वो आप चेक कर सकते हो, कितनी अच्छी सी स्लोप प्रोवाइड करी गई, जो डिज़ाइन एलिमेंट है बहुत बढ़िया सा पूरा फील दे देता है इसके बैक को। और इधर आप देख रहे हैं आपका हाई स्टॉप लैम्प, आपका जो डिफॉगर है, आपका रियर वाइपर है। इसके अलावा जो आपके टेल लैम्प्स हैं वो आप चेक कर लीजिए, तो ये पूरे आपको एक्सटेंशन में दिए गए हैं, पूरा आपका जो टेल गेट है वो कवर्ड है और बहुत ही अच्छी से डिज़ाइन पे ये पूरे प्रोवाइड करे गए हैं। LED का यूसेज आपको देखने को मिलता है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और आजकल तो लेटेस्ट ट्रेंड में LED ही है, हर गाड़ी में आपको लगभग LED यूज़ में दिखती है। इसके अलावा Q8 की ब्रांडिंग है वो आप इधर देख रहे हो, ऑडी की ब्रांडिंग जैसे आपको आगे दिखाई थी वैसे ही है, पूरी पियानो फिनिश पे दी गई है। अब इसका जो बूट है वो खोल लेते हैं, उससे पहले इसका जो कैमरा है वो आपको दिखा देते हैं। तो आपका रिवर्स पार्किंग कैमरा हो गया, पार्किंग सेंसर्स हो गए, अब इसको ओपन कर लेते हैं और आपको जो बूट है दो बार इसे प्रेस करना है और आपकी जो ऑटोमेटिक ओपनिंग है वो हो जाएगी। ये आप देख लीजिए अपनी स्पेस, बहुत ही शानदार स्पेस आपको मिलती है।
आपके जो बूट लैंप्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, दोनों साइड पे दिए गए हैं। इसके अलावा जो स्पेयर व्हील है वो भी चेक करा देते हैं। ये हो गया आपका स्पेयर व्हील, साइज़ है इसका 195/70/20, ये आप देख रहे हो। इसको बंद कर देते हैं, बहुत ही बढ़िया फिट एंड फिनिश देखने को मिलती है। साथ में आपकी जो इधर बटन है ऑपरेट करने के लिए, इसको आपको प्रेस करना है और आपको ऑटोमेटिक फंक्शनिंग मिलती है इसके टेल गेट की ओपनिंग और क्लोजिंग, ये आप देख सकते हो। बाहर से काफ़ी बात हो गई है, अब चलेंगे गाड़ी के अंदर और इसका जो इंटीरियर है वो आपको दिखाएंगे, इसके इंटीरियर का पूरा आपको अच्छे से आइडिया देंगे और जो फीचर्स हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। ये मैंने खोल दिए है गाड़ी, अब आप अच्छे से पूरा व्यू ले सकते हो इसके इंटीरियर का। पहले डोर की बात कर लेते हैं, तो इधर आपकी लॉक अनलॉक बटन हो गई, मेमोरी फंक्शन है आपका सीट का, आप इधर सेव कर सकते हो, दो बटन्स दी गई हैं, दो मेमोरी दी गई हैं, इधर से आप अपना बूट ओपन कर सकते हो। साथ में आपको मिलते हैं आपके पावर विंडोज़ और इधर आपके हैं ORVM एडजस्टर। बाकी अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, बाहर से तो मैंने आपको दिखा दिया है, डैशबोर्ड भी देख लो आप, डुअल फिनिश लगभग आपको देखने को मिलती है, ब्लैक है और नीचे आपकी ग्रे फिनिश है। इधर आपका जो सीट है वो आप चेक कर लीजिए, एडजस्टेबल है रेस्ट वगैरह। इसके अलावा जो आपकी एडजस्टमेंट है ये आपको ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट देखने को मिलती है, जो इस रेंज से एक्सपेक्टेड होता भी है। सीट को पीछे कर लेते हैं और थोड़ा सा बैक एडजस्ट कर लेते हैं, ये आप देख रहे हैं बैक एडजस्ट हो रहा है अपनी हाइट के हिसाब से, जिसमें मैं गाड़ी आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, लेट्स गो इनसाइड द कार। ये है दोस्तों आपका ऑल न्यू ऑडी Q8 का इंटीरियर, डैशबोर्ड का मैं पूरा आपको प्रीव्यू दे रहा हूँ, अच्छे से आप इसका डैशबोर्ड देख सकते हो, पूरा आपको आइडिया लग जाएगा इसके डैशबोर्ड का, कम्प्लीटली आप पूरा प्रीव्यू ले सकते हैं। बहुत ही शानदार लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सब कुछ आपको देखने को मिलेगा इसमें। इसके अलावा अब पहले साइड्स में देख लेते हैं, तो आपके AC वेंट हो गए, साथ में जो आपके कंट्रोल्स हैं लाइट के वो आपको दिए गए हैं। अपर पार्ट देख लेते हैं डैशबोर्ड का, बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड डैशबोर्ड आपको देखने को मिल रहा है, ये आप देख लीजिए, ब्रॉडनेस बहुत अच्छी सी दी गई है, मटेरियल क्वालिटी सुपर्ब है, उसमें तो कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए आपको। इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात कर लेते हैं, जैसे आपने ऑडी में देखा हुआ है शानदार ज़बरदस्त, वही आपको इधर भी देखने को मिल रहा है, कलर डेंसिटी आपकी सुपर्ब है। इसके अलावा जो आपके टॉगल्स हैं वो आप चेक कर लो, इधर आपका हो गया इंडिकेटर और लाइट का टॉगल और साथ में इधर आपका हो गया वाइपर का टॉगल, आपको पैडल शिफ्टर्स भी इसमें दिए जाते हैं। इसके अलावा आपकी जो स्टीयरिंग है वो आप देख लीजिए, तो आपका जो बोल सकते हैं डिफरेबल कंट्रोल्स हैं वो आपको दिए गए, जैसे आपका वॉइस कमांड वगैरह है, कॉलिंग वगैरह वो आप कर पाओगे। इसके अलावा ऑडी की ब्रांडिंग नीचे पूरी सिल्वर फिनिश आपको देखने को मिलती है। अब इसका जो मिडिल पोर्शन है वो आपको दिखाएंगे, तो मिडिल पोर्शन का भी आपको पूरा प्रीव्यू मिल जाएगा। हमेशा की तरह मैं आपको पहले नीचे तक दिखा देता हूँ। अब आप ध्यान दीजिए इसके सेंटर कंसोल पे, पूरा आपको फ्लोइंग वे में ये प्रोवाइड करा गया है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये फ्लो वे में पूरा ये दिया गया है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, वाटरफॉल डिज़ाइन तरीके से आप बोल सकते हो। पूरा आपका जो पियानो फिनिश है वो इधर यूज़ करा गया है, क्वाट्रो की ब्रांडिंग भी आपको देखने को मिल रही है। ये हो गया आपका मीडिया सिस्टम, अब इसका टच है ना, जो हैप्टिक फीडबैक बोलते हैं ना, वो आपको देखने को मिलता है इसमें, जो शानदार लगता है। ये टच है लेकिन फिर भी आपको फील होगा कि मैं कोई बटन प्रेस कर रहा हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीचर लगता है मुझे। बाकी जो लोग भी ऐसा कुछ यूज़ करते हैं तो ज़रूर बताइएगा, ऐसा आईफोन में आपने देखा था, अगर जो लोग आईफोन यूज़ करते हैं वो बात जानते होंगे, तो आपको टच ऐसे ही फील होगा जैसे आप ये देख रहे हैं, मैंने इसको प्रेस किया तो फील होता है कि मैंने कोई बटन प्रेस किया, बाकायदा आपको साउंड भी आएगी। होम पे चले जाते हैं, जो सरल ऑप्शंस देख रहे हो आप, रेडियो, मीडिया, टेलीफोन, नेविगेशन, फोन ऐप्स, कार, सेटिंग्स, हेल्प, इसके बाद आपका यूज़र, मैसेजेस, ये सारे आपको फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। और नीचे आ जाते हैं तो इधर भी आपको डिस्प्ले दिया गया है, सेवरल आपकी ऑटो ऑन ऑफ है, हिल डिसेंट है, ये कंट्रोलिंग हो गई, बाकी AC की कंट्रोलिंग हो गई वो आप इधर से कर पाओगे। इसके अलावा आपका ट्रैक्शन कंट्रोल है, हैजार्ड लाइट है और साथ में आपके जो बटन्स हैं वो आप देख रहे हो, आपकी पार्क असिस्ट की बटन दी गई है, स्टार्ट स्टॉप बटन है, एक आपकी जो रोटरी नॉब है वो आपको प्रोवाइड करी गई है आपकी मीडिया सिस्टम के लिए, वॉल्यूम वगैरह के लिए। और पीछे आ जाते हैं तो आपका गियर एरिया हो गया, ये आप देख सकते हो ऑटोमेटिक दिया गया, तो इसमें इतना कोई डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल आपका गियर बॉक्स, मतलब थोड़ा ऊपर से मैं दिखा देता हूँ तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा, ये आप देख सकते हो। पीछे आ जाते हैं तो इधर आप देख लीजिए, ये आपका हो गया आर्मरेस्ट, बहुत ही ब्रॉड दिया गया है, और इधर आपकी दी गई है वायरलेस चार्जिंग, इधर आप देख रहे हो आपका सिम कार्ड इंसर्ट है, आपका SD कार्ड है और दो USB आपको देखने को मिल रही हैं। इसको बंद कर देते हैं, पूरा पीछे तक आपने देख लिया होगा ये। अब चलते हैं को ड्राइवर के साइड और इसका जो ग्लव बॉक्स है वो ओपन कर लेते हैं, तो ग्लव बॉक्स का आपको प्रीव्यू मिल जाएगा, लाइटेड ग्लव बॉक्स आपको देखने को मिल रहा है, बहुत ही ब्रॉड दिया गया, मटेरियल क्वालिटी सुपर्ब है, ये आप देख सकते हो। अब चलते हैं और इसका जो वैनिटी मिरर है वो आपको दिखा देते हैं, ये आप देख सकते हैं लाइटेड वैनिटी मिरर दिया गया है ड्राइवर साइड, और को ड्राइवर साइड भी आपको लाइटेड वैनिटी मिरर देखने को मिल रहा है, ये आप देख सकते हो लाइटेड वैनिटी मिरर अवेलेबल है। इसको बंद कर देते हैं,
अब इधर देख लीजिए, आपकी तो लाइट कंट्रोल्स हो गए और आपका जो सनरूफ कंट्रोल है वो आपको दिया गया। ये आपका जो ब्लाइंड है, सॉरी जो कवरिंग है आपकी, वो खोल सकते हो आप। ये आप देख सकते हैं पूरी जो फंक्शनिंग है, इधर से पूरी आपकी जो नीचे का कवर है वो ओपन हो जाएगा, ये आप देख रहे हो। साथ में आपको जब सनरूफ ओपन करनी तो आप इससे ऑपरेट कर सकते हो। इसको भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, बस सिंपल आपको एक प्रेस करना है और आपकी जो सनरूफ है वो ये ओपन हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं सनरूफ ओपन हो गई है आपकी। इसके बाद आपको इसको बंद करना है, सिंपल आपको बस ये बटन प्रेस करना है और आपकी सनरूफ बंद हो जाएगी। इसको प्रेस कर देते हैं, ये आप देख रहे हैं आपकी सनरूफ बंद हो गई। इसके बाद आपकी जो कवरिंग है उसको बंद करना है, तो इसको प्रेस कर दीजिए और आपकी जो कवरिंग है वो भी बंद हो जाएगी। धीरे धीरे आ रही है, ये आप चेक कर सकते हो। पूरा दिखाना पड़ता है आप लोगों को, हमेशा आप लोग बोलते हैं कि पूरी डिटेल दिया करिए गाड़ी की, तो वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ फ्रंट का मैंने पूरा आपसे शेयर कर दिया है, डैशबोर्ड मैंने पूरा आपको अच्छे से दिखा दिया है। अभी तक दोस्तों कुछ आपको अगर पूछना है तो नीचे आप कमेंट से पोस्ट करके पूछ सकते हो, उसको मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ में आपको अभी तक गाड़ी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। साथ में डिस्क्रिप्शन में जो ऑडी कंपनी का जो प्लेलिस्ट सॉरी जो कंपनी लिंक है वो भी ज़रूर विजिट करिएगा इसकी और इन्फॉर्मेशन के लिए। अब यहाँ पर मैं इसको फ्रंट को ख़त्म करता हूँ, अब चलेंगे सेकेंड रो ऑफ सीट में और वहाँ बैठकर बात करेंगे कि पीछे बैठने में कैसा लगता है, पीछे क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं कंपनी बोल सकते हैं कि कस्टमर सेंट्रिक क्या क्या फीचर्स हैं इसकी बैक प्रोफाइल में, और पीछे बैठकर आपसे बात करते हैं। तो लेट्स गो टू द बैक ऑफ द कार नाउ। ये आप देख रहे हैं ऑडी Q8 की सेकेंड रो ऑफ सीट, पूरा प्रीव्यू ले लीजिए। ह्यूमंगस स्पेस पूरी आपको उसमें मिलती है, जिनको भी एक बड़ी और स्पेशियस SUV पसंद है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है ये। इधर आप देखते हैं आपका जो डोर है वो आप देख लो, रियर डोर है। इसके अलावा इधर भी आपको कुछ स्पेसेस दी गई हैं बहुत अच्छे से, पूरा ये स्विफ्ट वे में इसको ऐसे ओपन कर सकते हो आप। इसको बंद कर देते हैं, पावर विंडो कंट्रोल हो गया, डोर पॉकेट्स हो गई, बॉर्डरलेस आपके पूरे विंडोज़ प्रोवाइड करे गए हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, आपके व्यूज़ वेटेड रहेंगे बताइएगा। साथ में कस्टमर सेंट्रिक एक इंपॉर्टेंट फीचर आपका जो आर्म रेस्ट है ये आप देख सकते हो इधर आपको प्रोवाइड करा गया है। ये देख रहे हैं आपके दो कप होल्डर्स, इसको बंद कर देते हैं और ये अंदर कर देते हैं वापस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है लग्जरियस गाड़ियों में और वो इधर प्रोवाइड करी गई है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, अंदर बैठकर देखते हैं। तो इधर मेरी हाइट आपको पता है, नहीं पता है भाई तो बता देता हूँ 6 फीट है। जो लोग चैनल से जुड़े हुए हैं उनको ये बात पता होगी, जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इधर आपके जो AC वेंट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करे गए हैं। बाकी इधर आप देख रहे हो आपके जो बीच में भी AC वेंट्स हैं वो भी दिए गए हैं, जो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है इंडिया में। बाकी इधर आपके जो टच कंट्रोल्स हैं वो आपको प्रोवाइड करे गए हैं, पूरी आप फंक्शनिंग कंट्रोल कर पाओगे। बाकी स्पेस आप इधर चेक कर लो, मेरी हाइट 6 फीट है, आराम से बैठा हूँ, एकदम दिल खुश हो गया है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इधर बैठ के। इतनी ज़्यादा स्पेसेस हैं अंदर गाड़ी के, आगे की स्पेस देख लो और अभी आप पीछे की स्पेस देख लो, कितनी सीट आराम से पीछे आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दोस्तों मैं आ जाता हूँ गाड़ी का थोड़ा सा मैं बीच में और आपको जो डैशबोर्ड है वो मैं दिखा देता हूँ, वन फ्रेम व्यू में देता हूँ हर गाड़ी का जब मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ, जिसमें कि आपको आइडिया लग जाए। शायद अगर आप ये गाड़ी आगे लेने वाले हो तो आपको इसकी सारी जो चीज़ें हैं एक एक कोना है वो आपको दिखना चाहिए और वो मैं यहाँ पर करके आपको दिखा रहा हूँ। इधर आप देख सकते हैं पूरा इसका डैशबोर्ड वन फ्रेम व्यू। गाड़ी जो शायद लेने वाला उसको तो यार बहुत ज़रूरी होता है कि अच्छे से पूरा उसको आइडिया लग जाए इसके गाड़ी के डैशबोर्ड का, जैसे गाड़ी का फ्रंट होता है एक्सटीरियर के लिए वैसे डैशबोर्ड होता है इंटीरियर के लिए, और जो यहाँ पर बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा शानदार दिया गया है इसमें कोई डाउट नहीं है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर वीडियो ख़त्म करता हूँ, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स में पोस्ट कर देना। गाड़ी मैंने आपको अच्छे से दिखा दी है, फीचर स्पेसिफिकेशंस भी जो अवेलेबल थे वो देने की कोशिश करी है, अच्छा लगा है तो ज़रूर इसे शेयर भी करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। देखते रहिए दोस्तों ज्ञानी इनफ, लेकर आता रहूँगा और वीडियोज़ आपके लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉच।